वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा पेशावर, गवर्नर हाउस में तूफानी बारिशों से होने वाले नुकसान पर ब्रीफिंग ली। मुतासरीन की बहाली में कोई कसर ना छोड़ी जाए, आइंदा 5 रोज में इमदानी रकम की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वजीर आजम की हिदायत, कहा मुसीबत की घड़ी में वफाकी हुकूमत मुतासरीन से हर किस्म का तआवुन करेगी। पंजाब काबीना की तकरीब हलफबरदारी की तैयारियां मुकम्मल, पहले मरहले में 18 वुजरा हलफ उठाएंगे। हलफ लेने वालों में मरियम औरंगजेब, सलमान रफीक, अजमा बुखारी, मुश्तबा शुजाउर रहमान, इमरान नसीर, काजिम पीरजादा, बिलाल यासीन, खलील ताहिर सिंधु और शाफे हुसैन शामिल। पिशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर अराकीन को हलफ उठाने से कल तक रोक दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी, इलेक्शन कमीशन और फरीकैन को नोटिस, जवाब तलब कर लिया। बैरिस्टर गौहर का लाहौर और सिंध हाईकोर्ट में भी दरख्वास्त दायर करने का ऐलान। जुल्फिकार भुट्टो को शफाफ ट्रायल का हक मिला, ना ही मुकदमे की अदालती कार्रवाई मुनसिफाना थी। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस पर राय सुना दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा, आईन और कानून ऐसा मैकेनिज्म फराहम नहीं करता कि भुट्टो केस का फैसला कलदम करार दिया जाए। अदलिया माजी की गलती तस्लीम किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। तफसीली राय में ट्रायल में बड़ी खामी और कानूनी नकायस की निशानदही करेंगे। अदालती राय सुनने के बाद बिलावल भुट्टो आपदीदा मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 44 साल बाद तारीख दुरुस्त होने जा रही है, फैसले से पाकिस्तान आगे जाएगा। तारीखी गलती का अजाला मुमकिन नहीं, एतराफ से एक नई रिवायत कायम हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भुट्टो रेफरेंस में अदालती राय पर रद्द-ए-अमल, पीटीआई तर्जुमान ने कहा, इंसाफ में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। सुप्रीम कोर्ट को 50 साल लग गए ये तय करने में कि जुल्फिकार भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, क्या बानी पीटीआई को भी फेयर ट्रायल के लिए 50 साल इंतजार करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की मुलाकात, मनसब संभालने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुलाकात में कौमी सलामती और पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर गुफ्तगू हुई। पिलडेट ने इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा दिए। जायजा रिपोर्ट में कहा गया कि फॉर्म 45 और 47 में बड़े फर्क ने खदशात को बढ़ा दिया। मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज की मुअत्तली से इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मुतासर हुआ। निगरान हुकूमतों का मैंडेट भी मशकूक, इंतखाबात में गैर जानिबदारी का फुकदान था। नतायज में ताखीर ने इलेक्शन की साख पर सवाल या निशान लगा दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल को तौहीन अदालत नोटिस जारी कर दिया। अदालत की बार बार हिदायत पर बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी नहीं लगवाई गई। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल आइंदा समाअत पर जवाब जमा कराएं, नोटिस का मतन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर कराची में प्राइस कंट्रोल प्रोग्राम शुरू। कमिश्नर ने रमजान से पहले अशिया खुरानोश की कीमतों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। दूध की सरकारी कीमत 200 रुपए फी किलो मुकरर, चीनी 130 रुपए, आटा 128 रुपए फी किलो मिलेगा, मुर्गी 5 रुपए 98 रुपए किलो होगी। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज में यंग डॉक्टर्स लड़ पड़े इंतखाबात के दौरान झगड़ा, एक ग्रुप ने दूसरे के इंतखाबी कैंप उखाड़ दिए, एक दूसरे पर लातों और हाथों से ताबड़तोड़ हमले। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से तबाही, पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाबहक हुए। सैलाबी रैलों से 225 मकानात मुकम्मल तबाह, 996 को जज्बी नुकसान पहुंचा। बादलों का नया सिस्टम अगले 24 घंटे बलूचिस्तान में बरसेगा। और क्या किंग्स विनिंग ट्रैक पर वापस आएंगे? एचपीएल पीएसएल में कराची और कोयटा की टीमें आमने सामने, किंग्स की दावत पर ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। आज दूसरे मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स का मुकाबला होगा।